माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में भर दूं तारे। ओ माई तू मेरी दुनिया रे, तेरे आंचल में। बाबा अब आज से भूखे रहेंगे। हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। शान तेरी ना कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी जमीन का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं, दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। हो तेरी माटी तिलक है मेरा, ऐ मां तुझे नमन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे सैनिक हैं, ये
सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और इन्हीं के कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सकते हैं। इन्हें देखिए, ये किसान है, ये हम सब के लिए अन्न उगाते हैं। ये जो सैनिक हैं, ये इन्हीं की बदौलत ये अपना पेट भर के और हमारे देश की रक्षा कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे शिक्षक हैं, ये हमारे युवाओं को पढ़ा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत सुभाष चंद्र बोस जैसे IAS, सुंदर पिचाई जैसे हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, विक्रम बत्रा जैसे फौजी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षक, लाल बहादुर शास्त्री जैसे कृषक हमारे देश में निकल पाए हैं। इस तरह की पर्सनालिटीज इन शिक्षकों के कारण ही बन पाई। और बताता हूँ, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें नहीं है, वो भी बताता हूँ। ये विद्यार्थी ये पढ़ रहे हैं, ये ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये पढ़कर अपने देश और स्वयं का भविष्य उज्जवल करने हेतु परिश्रम कर रहे हैं। यही इनकी देशभक्ति है। ये हमारे वैज्ञानिक हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे देश को आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से सक्षम बना रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है। ये महिला है, ये गृहिणी है, ये आप देख रहे हैं, ये भोजन पका रही है, और इसी भोजन को हम सब लोग खाकर हम ताकत भी प्राप्त करते हैं और अपना काम ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ कर पाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब देशभक्त है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये सभी देशभक्त। अच्छा, तो ये क्या अपने देशभक्त होने का परिचय दे सकते हैं? देखिए, सच्ची देशभक्ति कभी परिचय का मोहताज नहीं होती, लेकिन समय आने पर ये देशभक्त, ये सभी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके लिए देशभक्ति है पढ़ाई करना, ये इनका कर्तव्य है और वही इनके लिए देशभक्ति है। हमारे राष्ट्र ने हमको जो भी काम सौंपा है, चाहे वो सैनिक के लिए हो, कृषक के लिए हो, शिक्षकों के लिए हो, साइंटिस्ट के लिए हो, गृहिणियों के लिए हो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो, उस काम को हम ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से यदि हम करते हैं तो वही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। समय आने पर ये सभी अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे। मैं एक छोटा सा आप लोगों को उदाहरण देता हूं। सावधान, सच्ची देशभक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं होती, अपना काम लगन, ईमानदारी और सत्य निष्ठा से करना ही सच्ची देशभक्ति। तो इस तरह से छोटे से संदेश के साथ हमारा ये प्ले खत्म होता है, और इस प्ले में हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं वो सबका पात्र परिचय में करवा दूं। ये आलोक सिंह साहब, ये फौजी के रूप में थे। जगदीश गौर साहब, ये किसान के रूप में थे, ये किसान के पुत्र के रूप में। योगेश राहुल सर हमारे शिक्षक के रूप में थे। प्रांची हमारे दूसरी शिक्षक के रूप में थे। ये अभीर खरे, ये आउटसाइडर है, ये मेरा बेटा है, पुणे में पढ़ रहा है, तो इस प्ले के लिए इसको यहाँ बुलाया गया था। ये हमारे मंगल,
क्योंकि हमारे ऑफिस का सारा काम देखते हैं। ये है हर्षिता मैडम, आप है धीरज देवी, ये प्रज्ञा मैडम, प्रज्ञा और मैडम तृप्ति देवी। इस तरह से ये हमारा पात्र परिचय हुआ। इसमें हमारी जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हमारे बीच में थे हमारे पवन मांझी साहब, और पीछे हमको सहयोग कर रहे थे अंकित, अंकित आ जाए, अंकित ने हमको बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह में हमको सहयोग किया। तो इस तरह से ये हमारी पूरी टीम थी। धन्यवाद सर। विद्यार्थियों, आदरणीय प्राचार्य महोदय ने सबका परिचय किया, पर आपको पता है कि ये जो एक्ट आपने देखा है, इसके निर्माता, इसके जनक, इस नई सोच को आप सभी के समक्ष लाने वाले हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव खरे सर, दो हजार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना बहुत आसान है, वहां से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करना और भी आसान है, पर जब उस जानकारी को प्राप्त करके हम जब किसी दूसरे पर उंगली उठाते हैं, जो कि आपने यहाँ देखा और उसी को चरितार्थ किया है हमारे इस एक्ट में, आई होप कि ये जो हमारा एक्ट था, एक नई सोच के साथ, एलबीएस की नई सोच के साथ, हम सबको एक नया रास्ता दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनः। थैंक यू।